जिला भाजपा कार्यालय में हुए संगठनात्मक बैठक जिसमें उपस्थित पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने जोश भरा। दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में संगठनात्मक मीटिंग हुई जिसके प्रभारी पूर्व बाल विकास संरक्षण के अध्यक्ष यशवंत जैन सह प्रभारी पुरंदर मिश्रा उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य आगामी दिनों में मंडल स्तर पर विस्तार करना और बूथ संरचना व वार्ड स्तर पर शक्ति केंद्र पर बैठक लेकर पार्टी को मजबूत करना था, जिसके चलते सभी मंडल के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इस अवसर पर गंजपारा सदर मंडल कांतिलाल बोथरा, कसारी डी बोरसी मंडल सरिता मिश्रा, चंडी शीतला मंडल डोमार सिंह वर्मा, पटरीपार मंडल चंद्रिका चंद्राकर, जेवरा सिरसा जागेश्वर साहू, अहिवारा मंडल सांवलाराम डहरे, धमदा मंडल राजेश ताम्रकार, इस तरह कई लोगों को जिम्मेदारियां दी गई है। इसी कड़ी में यशवंत जैन ने अपने वक्तव्य में सभी को मार्गदर्शन कर कार्य योजना एवं कार्य प्रणाली के बारे में समझाया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कृष्णमूर्ति ठाकरे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और जिन्होंने मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में भाजपा के कार्य को विस्तार किया, उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ और पूरे देश में 11 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच हम लोग कार्य विस्तार योजना कर रहे हैं, जिसमें हमारे पार्टी के मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर के सारे पदाधिकारी अपने मतदान केंद्रों में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपने कामों का प्रसार करेंगे, वहाँ लोगों की समस्या जानेंगे। ये योजना के कारण क्रियान्वयन के लिए आज ये दुर्ग जिले की बैठक है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, चार राज्य भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल किया और कार्यकर्ता में पूर्ण ऊर्जा के साथ में आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ सरकार बनाएगी, पूरी कार्यकर्ता ऊर्जा और साथ में। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।